मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। तो चलिए पहली अफ्तारी के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई। देखिए रमज़ान में ज़्यादातर हम लोग भजिया खाना पसंद करते हैं ना, तो आपको अगर भजिया खाना है तो इस तरह के दालों का इस्तेमाल कीजिए। मैंने मूंग की हरी दाल है ना ओवरनाइट भिगो दी थी, और देखिए चना है, इसमें थोड़ा सा आप नींबू और कुकुम्बर वगैरह काट के इस तरह से भी आप खा सकते हो। ये चने का दाल है ना, और ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची भी आप इसमें चिकन का कीमा जो है वो फिल करके इसका भजिया मतलब पकौड़ा बना सकते हैं, है ना। चिकन की कीमा में भी बहुत सारे प्रोटीन हमें मिल जाएगी, है ना। तो दालों का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से जो भजिया है वो तैयार कीजिए, ताकि आपके घर में भी सब लोग हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहें। बेसन मैदा ये सब ज़्यादा आप लोग ना खाएँ, ठीक है। तो ये दालों को मैंने भिगो लिया है, अब इनको मैं पीस लूँगी, ठीक है। दोनों दालों को मिला के मैंने पीस लिया, और देखिए ये हमारा बैटर जो है भजिया बनाने के लिए तैयार हो गया। खूब सारा धनिया डाल दिया इसके अंदर मैंने, धनिया के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, तो ढेर सारा डाल दीजिए, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए नमक डाल के, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक दो पीस आप खा लीजिए, कोई मना नहीं है खाने में, लेकिन दाल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी घर वालों को खाने दीजिए, और आप दाल वाला एक दो ही खाइए, ज़्यादा मत खाइए। और ये मेरा प्लेट तैयार है अफ्तारी के लिए, खजूर और ढेर सारा फ्रूट, ठीक है। फ्रूटों का को खूब खाइए, जूस पीजिए, फ्रेश जूस पियेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए कितना मज़े का भजिया बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से अफ्तारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।